एग वेजिटेबल टोस्ट। आज की हमारी रेसिपी है एग वेजिटेबल टोस्ट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, क्विक है, सिंपल है, कलरफुल है और बहुत ही टेस्टी है। कैसे बनाते हैं चले देखें। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और हैं कुछ कटी हुई सब्जियाँ, जो कि हैं जूलियन कट, जिनको लंबा पतला काटा है। तो ये है पत्ता गोभी 2 टेबलस्पून और ये गाजर बहुत पतले पतले स्लाइसेस काटिएगा इसके, और ये है 1 टेबलस्पून और ये है शिमला मिर्च, इसको भी पतला और लंबा काटना है, और ये है स्प्रिंग अनियन, जिसका कि हरा पार्ट काटा है, हरा वाला जो हिस्सा होता है सफ़ेद का उसी को काटा है, और ये है बटर, नमक और काली मिर्च 1/2 चम्मच, और ये है 2 स्लाइसेस। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। अंडे में हम सारी सब्जियां मिला देंगे, ये मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, क्योंकि बटर में भी नमक होता है, उसके हिसाब से हमें नमक डालना है, और बाकी सारी चीज़ें हम बटर में बना रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसको थोड़ा ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं फेंटेंगे। तो बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, सिर्फ मिक्स करना है, इसको फेंटना नहीं है, और ये हमारा तैयार है। चलें अब हम बनाते हैं टोस्ट। उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर को स्प्रेड कर दिया है, और हम अपने दोनों स्लाइसेस को सेक लेंगे थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे ये क्रिस्पी हो जाएं। और अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं, मैंने दोनों साइड से इनको सेक लिया है, और अब बारी आती है अंडा फ्राई करने की। तो उसको भी मैंने बटर डाल के इसको फ्राई कर लिया है, लेकिन इसको ध्यान रखना है हमें कि गोलाई में नहीं फैलाना, इसको हमें स्क्वायर शेप देना है। तो साइड से जो ये अंडा फैलेगा उसको आप धीरे धीरे से करछी से समेटते हुए स्क्वायर शेप दे दें, और इसकी आँच धीमी रखें, और जब तक सेकें जब तक कि ये पीछे से एकदम क्रिस्पी ना हो जाए और पक जाए अच्छी तरह से। इसको जल्दबाजी ना करें पलटने की, नहीं तो ये इसका शेप बिगड़ जाएगा, और जब थोड़ा सा अच्छी तरह से पीछे से सिक जाएगा तभी इसको पलटें। ये देखिए ये पीछे से सिक गया है, अब मैंने इसको पलट दिया है। इसको सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसका पेशेंस रखें और 2 मिनट तक इसको दोनों साइड से सिकने दें, अंदर से ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ये रेडी हो गया है, अब हम इसका अपना टोस्ट बनाते हैं। एक स्लाइस के ऊपर मैंने ये अंडे को रख दिया है, और उसके ऊपर अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा टोमेटो सॉस। आपको चिली सॉस अच्छा लगता है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, सॉस अपनी मर्ज़ी का ले लें। ऊपर से दूसरा स्लाइस भी रख दिया और इसको बीच से कट कर दिया। ये देखिए कितना सिंपल, कितना ईजी ये हमारा एग वेजिटेबल टोस्ट तैयार है, जो बड़ों से लेकर बच्चों तक को बहुत पसंद आता है। ये देखिए मैं आपको इसको अंदर से दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, सो कलरफुल, और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डली हैं, बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ये बन गया है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया है, उसके साथ साथ थोड़े से लैटिस के पत्ते रख दिए हैं और सॉस रख। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और करें समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।